IPL 2022 के चौथे मुकाबले में आज दो नई टीमें यानी कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स डेब्यू करने जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले IPL में 8 टीमें खेला करती थीं और इस साल से 10 टीमों को जोड़ा गया है, यानी कि दो नई टीमें जुड़ी हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स। ऐसे में आज का ये जो मुकाबला है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमों में कप्तान के तौर पर एक तरफ KL राहुल है और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या है, जो पहली बार IPL में कप्तानी करते भी नजर आएंगे। वानखेड़े के मैदान पर खेले जाने वाले मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता नज़र आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस में बड़े बड़े नाम हम देख रहे हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और मैथ्यू वेट करेंगे पारी की शुरुआत। 3 नंबर की बात की जाए तो रिद्धिमान साह या विजय शंकर को मौका दिया जा सकता है। 4 नंबर पर अभिनव मनोहर, जिन्होंने रणजी में अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 नंबर पर डेविड मिलर, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या कप्तान, 7 नंबर पर राहुल तेवतिया, 8 नंबर पर राशिद खान, 9 नंबर पर आर साई किशोर, 10 नंबर पर लॉकी फर्ग्यूसन और 11 नंबर पर मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स की यदि बात की जाए तो KL राहुल और क्विंटन डिकॉक ओपन करते नजर आएंगे। 3 नंबर की बात की जाए तो मनीष पांडे नंबर 3 खेलेंगे। 4 नंबर पर दीपक हुडा, 5 नंबर पर मनन वोहरा, 6 नंबर पर कृणाल पांड्या, 7 नंबर पर अंकित राजपूत, 8 नंबर पर कृष्णप्पा गौतम, 9 नंबर पर रवि बिश्नोई, 10 नंबर पर दुष्मंथा चमीरा और 11 नंबर पर आवेश खान खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पिच रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो वानखेड़े के मैदान पर अमूमन रनों की बारिश होती है, लेकिन जिस तरीके से हमने पहला मुकाबला देखा ड्यू फैक्टर रोल में रहेगा। जब KKR ने हराया CSK की टीम को तो 150 से 160 का स्कोर भी बेहतर हो सकता है अगर अच्छी गेंदबाजी और टाइट गेंदबाजी की जाए। मैदान छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ पर काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।